भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह आजकल किसी के लिए बहुत ही स्पेशल है। वो और कोई नहीं, वो है रितेश पांडे। जी हाँ, रितेश पांडे और अक्षरा सिंह की दोस्ती के चर्चे आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री की सुर्खियां बने हुए हैं। रितेश पांडे आजकल जो भी प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, उनकी पहली डिमांड है कि अक्षरा सिंह उनके साथ होंगे तभी वो फिल्म करेंगे। और वैसे आपको बता दे कि आजकल रितेश पांडे ने अपनी प्राइस हाइक कर दी है, यानी कि अपनी फिल्मों की कीमत बढ़ा दी है। जहां पहले वो 2 से 3 लाख में ही फिल्में कर लिया करते थे, आजकल वो 4 से 5 लाख रुपए पर फिल्म डिमांड करते हैं। वैसे जब से अक्षरा सिंह उनकी लाइफ में आई है, उनकी डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वैसे रितेश पांडे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैसे रितेश पांडे को अक्षरा सिंह की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षरा सिंह के लाइफ में आने से पहले रितेश पांडे एक एस्टेब्लिश स्टार हो चुके थे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ फबते भी बहुत है। लेकिन हम आपको तो कुछ और बताने वाले थे, बात निकली और बात कहां पहुंच गई। हम तो आपको ये बताने वाले थे कि 30 अगस्त को अक्षरा सिंह का बर्थडे था, और उस बर्थडे के स्पेशल मौके पर सरप्राइज पार्टी दी गई। और उस सरप्राइज पार्टी में भोजपुरी के कुछ डायरेक्टर थे, अक्षरा के कुछ क्लोज फैमिली मेंबर थे। अक्षरा की क्लोज फ्रेंड आम्रपाली नहीं, अनारा गुप्ता थी, और भोजपुरी के इकलौते एक्टर रितेश पांडे थे। आप पहले इन सारी तस्वीरों को देखिए, जहां अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन सारी फोटोज को शेयर किया है अपने फैंस के लिए। अब अगर ऐसे में अक्षरा सिंह और रितेश पांडे के रिश्ते को लेकर अक्षरा सिंह के पापा मीडिया में भड़कते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब भाई, अक्षरा सिंह अगर अपने सरप्राइज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ रितेश पांडे को बुलाएंगी, तो ये शक तो किसी का भी जाएगा कि रितेश पांडे अब अक्षरा सिंह के लिए आम से खास हो चुके। वैसे हम आपको यहाँ बता दें कि इन सारी तस्वीरों से ये बयां होता है कि अक्षरा सिंह के लिए बेहद खास रहा उनका ये वाला हैप्पी बर्थडे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।